नमस्कार साथियों, तो लीजिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है फ्लूट लेसन में। और फ्लूट लेसन में आज मैं आपको बताऊंगा कि थाट हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में 10 थाट माने जाते हैं, तो उनमें से हम पहले 5 थाट आज बांसुरी पे बजाना सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो साथी पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, एक और बात कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखा करें, तभी आपको पूरी बात पता चलती है कि हमने कैसे आपको क्या चीज़ बताई गई है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से पूरा वीडियो देखें और फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी कि कैसे इसको करना होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ऐसा है कि अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो ये आपको थाट बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम करेंगे बात थाट कल्याण की। कल्याण थाट में क्या होता है कि मा तीव्र लगता है और बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं, और हम इसमें तीन जो होल हैं वो तीन जो इसके सुराख हैं वो बंद करके सा मार रही है। ठीक है, इस सा मान के मैं आपको 5 के 5 थाट बजाना सिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम करेंगे बात कल्याण थाट की। कल्याण थाट में मा तीव्र, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। कैसे, देखिए। हमारा जो दूसरा थाट है वो है थाट बिलावल। उसमें क्या होता है कि सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे जो थाट कल्याण है उसमें हमने मा तीव्र लगाया, बाकी सभी शुद्ध लगाए, तो बिलावल में सारे स्वर शुद्ध लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कोमल या तीव्र स्वर नहीं लगाने आते बांसुरी पर, तो आप हमारी वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको इसमें दे दूंगा। तो उस पे आप जाके सबसे पहले आप कोमल और तीव्र स्वर लगाना सीखें, उसके बाद ही आप थाट वाला वीडियो ये देखें आप। तो जैसे कि बता रहा मैंने, दूसरा जो थाट है हमारा वो है बिलावल, जिसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। देखिए कैसे बजाएंगे। और उसके बाद बारी आती है थाट खमाज की। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा करें, और जब तक आप वीडियो पूरा ढंग से नहीं देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इसको स्किप मत किया करें, पूरी वीडियो आप देखा करें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो तीसरा थाट हमारा है वो है थाट खमाज। खमाज में क्या है, सिर्फ नी कोमल स्वर लगता है, बाकी सभी स्वर हम शुद्ध लगाते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। इसको हाफ खोलेंगे तो नी कोमल हो जाएगा, सा ये धा। ये हमारा थाट खमाज। नेक्स्ट जो हमारा थाट है वो है थाट भैरव। भैरव में क्या होता है कि रे और धा, ये दो स्वर कोमल होते हैं और बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। रे और धा कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध। कैसे बजाएंगे, देखिए। हाफ खोल देंगे सा के बाद इसको, तो ये रे कोमल हो जाएगा। पूरा खोलते हैं तो रे शुद्ध हो जाता है, हाफ खोलेंगे तो रे कोमल। वैसे ये देखिए,
पा के बाद धा पूरा खोलेंगे तो धा हो जाएगा, और आधा खोलेंगे तो ये धा कोमल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थाट भैरव होगा जिसमें हमने रे और धा दो स्वर हमने कोमल लगाए। अब आगे आता है पूर्वी थाट, पांचवा थाट पूर्वी। इसमें क्या होता है कि मा तीव्र ऐड हम कर देंगे भैरव में तो वह पूर्वी थाट हो जाता है, यानी कि रे और धा कोमल और मा तीव्र, तो वो हमारा पूर्वी थाट हो जाएगा। कैसे बजाएंगे इसको, देखिए जैसे हमने भैरव बजाया इसमें हमने मा शुद्ध बजाया और इसमें हम क्या करेंगे मा तीव्र बजा देंगे, तो ये आपका पूर्वी थाट हो जाएगा। कैसे देखिए, रे था कोमल मा तीव्र। एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल स्लो में आपको बजा के दिखाता हूं। रेधा कोमल माथिल, देखिए तो ये थे हमारे पांच थाट। बाकी पांच थाट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बजाना सिखाऊंगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया तो, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं जैसे कि ढोलक तबला फ्लूट ड्रम्स और सिंगिंग अगर सीखना चाहते हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं आप, कॉन्गो सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे आप संगीत सीख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।